हेलो दोस्तों, ये हिंदी शॉर्ट हैंड की पार्ट 2022 में आपको स्वागत है। इसमें मैं आपको आज कुछ एक्सरसाइज और कुछ आंकड़े वाले सब चिन्ह बताऊंगा। मैं सबसे पहले मैंने इससे पहले पार्ट 20 में मैंने कुछ लॉ से रिलेटेड आंकड़े बताए थे और डिफरेंशिएशन किया था रॉ से, ठीक है। उससे पहले भी दो आंकड़े और बता चुका हूँ, त और न के, ठीक है। तो अब इससे लास्ट रिलेटेड एक एक्सरसाइज थी 32 और 33, आपने अगर बनाई होगी, ये 32 है, अगर आपने बनाई है तो इसे चेक करवा लें, चेक कर लें। ये मैंने बनाई है, लिख लीजिए ऊपर से, इसको स्क्रीन को रोक के आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चेक कर लें, उसके हिसाब से आप जो आपको समझ में नहीं आया आप पूछ लेना। और इसकी अगली एक्सरसाइज को कुछ मैं इसमें बना के दिखा देता हूँ, मैं जो ये वाली है, आप कब आएंगे, जल्दी आना, अभी तो बहुत सवेरा है, नदी नहीं देर हो जाएगी, बिना आपके आए काम ना चलेगा। तो इसको मैं अभी बना के दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा देख लेंगे आगे के आंकड़े। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है, तो छठे से बता रहा हूँ मैं, बाकी ऊपर का तो इजी है बनाना। सबसे पहले आप कब आएंगे, जल्दी आना, आप कब आएंगे, तो आपको इस तरीके से बना देते हैं, केवल प बना देते हैं ऊपर की तरफ, कब के लिए, कब ऊपर की तरफ, आएंगे में भी ग बना देंगे डार्क, और इसे बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बंद हो रहा है। जल्दी आना, जल्दी आने के लिए ज के साथ ल का आंकड़ा आप लगा सकते हो इस तरीके से, जल फिर द बना दो, जल्दी यहाँ पर ई के बाद जल्दी आना, ये आना है। इसके बाद क्या है, अभी तो बहुत सवेरा है, अभी तो बहुत सवेरा है, तो इसको वहाँ से देखें, अभी भी ऐसे होता है, इसमें और लगा देंगे तो ये अभी पा जाएगा, और तो है ये, तो को त बड़ा सा तो बना दोगे तो ये तो हो जाएगा। अभी तो बहुत सवेरा है, सवेरा का अगर सब चिन्ह याद नहीं है तो आप सवेरा को इस तरीके से बना सकते हो, सवेरा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कौवा है, फिर नहीं, नहीं को इस तरीके से नीचे बना देंगे हम, फिर नहीं देर हो जाएगी, देर के लिए मैंने बताया था इस तरीके से सब चीज़ है, फिर हो जाएगी, हो के लिए ऊपर है थोड़ा सा, और जाएगी के लिए डार्क इस तरीके से बना के फिर आगे की तरफ ले जाके फिर ये य बनाओ, फिर ग बना दो, और ई की मात्रा यहाँ पे ई की मात्रा, देर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, बंद कर दो इसको, बिना आपके आए काम ना चलेगा, बिना आपके आए काम ना चलेगा, तो ब ना, ये शब्द चिन्ह भी है, बिना नहीं, आप क्या है काम ना चलेगा, तो आप में क लगा दीजिए यहाँ पर, आपके आए, आए इस तरीके से बनता है, काम के लिए जट से ऐसे बना दीजिए, काम ना, च है ना, च के साथ ला, तो ला इस तरीके से इसके डार्क बना दीजिए, चलेगा। पेंसिल का ही यूज़ करना, क्योंकि मैं अब पेन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता है मोस्ट
ऑफिस स्टूडेंट बोलते हैं कि उनके दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो पेंसिल से ही बनाना। तो इस तरीके से बनेगा ये, आगे के सब इजी हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, तो मैं आगे की भी बना के आपको दिखा दूँगा। बाकी इससे आगे जो वो है शब्द चिन्ह वो मैं बता दे रहा हूँ, ज़रूरी है शब्द चिन्ह। तो आज मैं शब्द चिन्ह बताऊँगा स्व जो वाले वर्ड होते हैं, स्व वाले, उनको वृत्ताकार बना के जैसे स को बनाते थे वैसे ही स को बनाते हैं, तो किस तरीके से इसमें डिफरेंशिएशन है। छोटा व्रत का तो सीन था स का, मतलब छोटा सा व्रत बनाएंगे, और यही बड़ा व्रत बनाएंगे हम। अगर बड़ा व्रत बनाते हैं यानी कि जैसे कि मुझे ये बना दिया मैंने, ठीक है, तो ये होगा हमारा, ये पूरा इतना बड़ा वाला जो है वो स्व हो जाएगा, और बाकी बाद में तो र है तो ये स्वर पड़ेंगे। इसी तरीके से कुछ वर्ड और उठा लेता हूँ मैं, मान लीजिए स्वागत है, तो स्वागत को मैं किस तरीके से बनाऊँगा, एक बड़ा सा ये बना दो और ये ग और तो इस तरीके से बनाओगे तो इस तरीके से बना लो, या फिर इसी को आंकड़े के हिसाब से बनाओगे तो स स्वागत, ये स्वागत हो जाएगा। आपका मात्रा लगाना है तो लगा दीजिए, नहीं तो अपने आप धीरे धीरे मात्राएं ऑब्सोल्यूट करते चलेंगे हम, मात्राओं का आगे यूज़ नहीं है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा आगे जाके मात्राओं का, ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। बाकी जो और स्व हैं जैसे ये वाला स्व आ गया अश्व, तो इसके लिए तो सिंपल उसी तरीके से बनेगा, स्व बना दीजिए और वह का इस तरीके से आंकड़ा हो जाएगा आगे, ये य का है सॉरी, इस तरीके से अश्व बनेगा, ठीक है, तो ये स्व का आंकड़ा है। इसके कुछ एग्जांपल बता दिए मैंने, इसके बाद एक आंकड़ा आता है स्त स्थ या सट का, ठीक है, एक ये बता दिए मैंने और एक ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है, दो आंकड़े बता रहा हूँ, फिर उसको बुक्स में बता दूंगा किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। जब आर्क बने, आर्क यानी चाप बने, जब चाप बने तो वहाँ पे आता है ये स्था या सट, अपने सेंस के हिसाब से उसको यूज़ करोगे, स्था। तो जैसे मान लीजिए कि स्तूप आ गया या आ गया स्थान, या फिर आ गया आपका बस्ती, या फिर आ गया आपका बस्ता, ठीक है। अभी स्तूप है, स्तूप को किस तरीके से बनाएंगे, स्तूप को बनाएंगे ये स्त हो गया और ये प हो गया, तो ये स्तूप की मात्रा अगर इस पे लगाओगे तो ये पहले लगाना पड़ेगा, तो ये स्तूप हो गया। अगर मुझे इसी तरीके से स्थान बनाना है तो स्थान को किस तरीके से बनाऊंगा, इसी तरीके से लो और ये नौ बना दो, आ की मात्रा देनी है तो यहाँ पे दे दीजिए स्थान, इसी तरीके से बस्ती है, बस्ती में क्या करेंगे, अब लास्ट में आ रहा है तो ब शुरू में बना के जब ई की मात्रा है ना इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दोगे तो ई की मात्रा हो जाता है। अब बस्ता है, बस्ता इस तरीके से बना, बस्ता
यहाँ पे आ की मात्रा दे दो, ठीक है, या फिर बस्ता इस तरीके से बना सकते हैं, ब स ता बस्ता, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा वीडियो। इससे रिलेटेड अगर कुछ पूछना हो तो आप उसमें कमेंट में पूछ लें। और जो एक्सरसाइज ये है मेरी 33, उसकी जो सॉल्व है वो ये है, आप इससे चेक करा लेना कि आपकी मात्राएं और ये सब सही लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ठीक है। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछना, मैं उसको नेक्स्ट इसमें बता दूंगा मैं। और एक ने कमेंट किया था ने से किस तरीके से बनाएंगे, ने और से, ने को डार्क बना देते हैं और से को यहीं नीचे डार्क बना देते हैं, एक काको में ये डिफरेंस होता है, तो ने से इस तरीके से बनता है। और एक शायद इधर उधर भी पूछा था मैंने, इधर उधर के लिए मैंने बता रखा था इसमें पीछे पीछे वाली वीडियो में, उस चेक कर लें उसको, उसमें काफ़ी इधर उधर तिधर सब बता रखे हैं, ठीक है। अभी बताने बैठूँगा वीडियो लंबी जाएगी फालतू में। थैंक यू।